आपके साथ। नागपुर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। नागपुर के हिरवी नगर झोपड़पट्टी में एक मतिमंद लड़की के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक 36 वर्षीय आरोपी ने दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद नंदनवन पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख के मार्गदर्शन में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर कलम 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मैं मुख्तार शेख, सीनियर फेडरल पुलिस, नंदनवन पुलिस स्टेशन। हमारे यहाँ पे हिरवी नगर झोपड़पट्टी में एक घटना हुई है। 15 तारीख को करीबन 11:15 बजे एक मतिमंद लड़की है जो 9 साल की है, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। तो हमने इसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ में 376 और पोक्सो के 4-8-12 इस सेक्शन लगाए और गुनाह दाखिल किया हुआ है। ये जो आरोपी है, इसमें जो कल्प्रिट है वो बिल्कुल जहाँ पे फिरियादी रहती है उसकी बिल्कुल बाजू वाले घर में रहता है। वो तकरीबन 36 साल का है और उसने ये जो दुष्कर्म है ये 15 तारीख को किया, जबकि उसकी माँ जो जैसे कि फिरियादी है ये अपने घर में अपना काम कर रही थी और विक्टिम जो है वो लड़की घर के सामने खेल रही थी। उस पर थोड़ी देर के बाद कुछ 15-20 मिनट के बाद जब उसकी जो फिरियादी जब बाहर आई तो उसको वो लड़की दिखी नहीं। लड़की को उसने आवाज़ दिया तो लड़की ने आवाज़ उसको वापस रिटर्न नहीं दिया। थोड़ी देर कुछ 2 मिनट के बाद उसको वो लड़की जो थी विक्टिम जो है ये आरोपी के घर से निकलते बाहर दिखी। जब वो बाहर निकल रही थी तो उसके जो पैंट थी, हाफ पैंट थी, उसमें एक ही भाई में दोनों पैर उसके अंदर थे और उसके हाथ पे कुछ चमकता हुआ पदार्थ भी था। तो उसकी माँ जो है जिसकी फिरियादी है उसको ऐसा लगा कि इसके सामने कुछ दुष्कर्म हुआ है और इन्होंने आजू बाजू में उसे पता किया, सब किया और लोगों का सलाह लेके शाम को 5:30-6 बजे नंदन पुलिस स्टेशन आई और उसने वो फिरियाद दी और फिरियाद को लेके हमने उस लड़की का मेडिकल किया और हमने गुनाह दाखिल किया। आज हम 2 दिन से, और वो जो आरोपी था इसका वो फरार था। हमने जब से हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो आज हमको वो आरोपी जो है चंद्रपुर की तरफ चिमूर गांव वो साइड में हमको मिला है। हमने डीपी पार्टी रवाना की थी और गुप्त बातमीदार के जो खबरी थे हमारे उसके मदद से हम उसको ला सके आए। आज हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं और कल हमको उसको कोर्ट में भेजेंगे कोर्ट प्रोसीजर के लिए और उसका पीसीआर हम लेंगे उसके आगे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।